ये हमारी फंक्शन जनरेटर है। यहाँ फंक्शन जनरेटर से हमने इसे एक इनपुट दिया अपने सर्किट में। ये हमारी सर्किट है, ये हमारी सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर है। और ये हमारी टोटल सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर की पूरी सर्किट यहाँ पे है। तो फर्स्ट जो इनपुट होगी हम यहाँ पे कैपेसिटर को देंगे। फर्स्ट वाले इनपुट होगी हमने कैपेसिटर को दिया, और सेकेंड जो इनपुट होगी हमने इसे ग्राउंडेड कर दिया। और फिर इस सर्किट में फिर हमने यहाँ से 10 के ओम रेजिस्टर से सीधा इसे अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में शॉर्ट किया। और यहाँ भी हमने 10 के रेजिस्टर से ऑपरेशनल एम्पलीफायर में शॉर्ट किया, तो हमारी ये यहाँ से कनेक्ट होगी। फिर हमने इस सर्किट से CRO में इनपुट दिया, तो हमारी इस CRO में इनपुट दिया, तो यहाँ से हम CRO से एक वायर जो है यहाँ से कनेक्ट करेंगे सीधा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। और सेकेंड वायर जो है वो हम ग्राउंडेड होगी, सेकेंड वायर जो होगी CRO में वो हमारी ग्राउंडेड होगी यहाँ पे। और यह हमारे इनपुट का होगा, ये हमने CRO में इनपुट दिया, CRO में इनपुट हमारा हो गया चैनल टू हमारा CRO में इनपुट हो गया। और चैनल वन होगा CRO में हमारा जो मेन सर्किट से हम जो इनपुट जो हमारा मेन सर्किट होगा उसका इनपुट है, मतलब ये हमारी इनपुट होगी। और ये हमारी आउटपुट की जो हमारी सर्किट से जो आएगी उससे उसकी आउटपुट की वेवफॉर्म इससे निकलेगी। तो हमने इनपुट की वेवफॉर्म निकालने के लिए इनपुट को सीधा हमने इसे यहाँ से कनेक्ट किया। ये हमारी इनपुट की वेवफॉर्म निकालने के लिए है, इनपुट की वेवफॉर्म निकालने के लिए हमने इसे सीधा यहाँ से फर्स्ट वायर यहाँ से कनेक्ट की और सेकेंड वायर यहाँ से कनेक्ट की, जो सीधा वायर जुड़ती है हमारी फंक्शन जनरेटर में। और यहाँ हमारी फंक्शन जनरेटर है, उसके बाद हम लोग इससे आउटपुट लेंगे। हम यहाँ हमारी ये अभी हम लोग करेंगे ट्रायंगुलर वेव का हमने कनेक्ट लिया, तो हमारी आगे स्क्वायर वेव। और यहाँ भी है ट्रायंगुलर वेव से हमने ट्रायंगुलर इनपुट दिया, तो हमारी आउटपुट आएगी स्क्वायर वेव। ये हमारी CRO हो गया पूरा कंप्लीट।